भोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मुबारकबाद सचिन साहब जिस वक्त भी कोई बंदा को जाना सी, मेरे ख्याल जो भी उगड़े साढ़े को नरेंद्र सिंह और सवेरे मेरी गल हो रही थी। मैं जी अज सैकटरी साहब ने मेनू सदा दिता है कि त्रै बजे पुजना है, मैं वही है मेरे तरफ दोवे सजने मुबारक देनी कि वाकई अरदास करा कि कितने अच्छे तरीके रवान अच्छी पोस्टा से जान ताकि साड़ी जो मनाटी लोग अगर गाह बगा कितने किस तरीके हो फिर भी अस थानू मुबारक अरदास तौर पर अस बधाइया देवे वक्त के मुताबिक। प्रधान साहब सुरिंदर सिंह और बैठे हैं क्योंकि एक बड़ी मान हस्ती है साढ़े पुलिस के इन्होंने घट तो घट साढ़े तीन इलेक्शन जीते हैं वक्त के मुताबिक बिना मजबूत मिलत इन्होंने काम किया कोई भी केस साढ़े बन गया पुलिस के सुरिंदर सिंह और ने दोवे पार्टियां बैठ के इस बनाने की कोशिश की और मैं अज मुबारकबाद देना कि जी साढ़े कार कुछ सार्व की ने जनरल सकत्र साहब साढ़े नवे बने हरचरण सिंह जी एक रागी हैं साढ़े पुलिस के रागी भी आ तो उस तो भी मिले और बेहतरीन तरीके आम तौर एक प्रवान दे के गुरबाणी दे बी मनुख एक सिख है वो किसी को समझाने वास्ते ही है सिख न सिख समझाने पर उन्होंने एक बड़ा साढ़ा एक योगदान है सकत्र साहब का हरचरण सिंह और बैठे हैं मनमोहन सिंह बैठे हैं जिस साहब पुलिस साढ़े को आवन एस पी बन गए आप फकर का पता चला कि पुलिस लोग किस तरह याद करें कितने दिन जी कर क्योंकि मनीष जी के पिता जी मेरे उस्ताद सन बिहारी लाल शर्मा जिस जज्बे के नाल रिजल्ट असं अज देख रहे अज भी टीचर मैं खुद एक मास्टर ग्रेड के काम कर रहा ऑन ड्यूटी लेकिन वो जज्बा जो जिन्होंने उस्तादों के पासों असी निकले वो सानू चंडते सन असी इतना डर डिसिपलिन जरा उन्होंने सानू सिखाया इन्होंने पिता जी ने उसका नतीजा है अज इन्ने वे अहदे असं अरदास करांगे वाहिगुरु होर तरक्की बख्शे। सचिन जी जदों इत्थे आए सन डी एस पी डी आर सन अज इतों एस पी बन के जा रहे हैं इन्हों पुंछ दे वलों साडी डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी है डी जी का सारिआं वलों एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करांगा एस पी सचिन गुप्ता जी वो भी अपने विचार दो तीन मिनट रखेंगे स्टेज पे आ जाएंगे और अंबरेश किता सन अगर कोई भी काम मैं कितना काम इन्होंने कहता रहा अपने पर्सनल सर यह काम चैन करनी है पीएसओ इन्होंने जम्मू को फोन किया मुंशी चैन करके तो बड़ी बड़ी चीज होती है और तो पहले भी बड़े अफसर आए लेकिन शायद उन्होंने इस तरीके सानू कोऑपरेट नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तुम जल्दी पूछो बड़ा एक अच्छा एक चैन सी थोड़ा सा चलो चैन टूट जरूर रहा है एक सदमा है सानू लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है क्योंकि एक जगह नौकरी नहीं करनी है तुसी जाना है अगे भी जाना है प्रमोशन भी लेनी है दूसरी जगह भी जाके सेवा करनी है। चलो मैं वाहिगुरु कि तुसी फुलदे फलदे रहो देश की सेवा करते रहो। नरिंदर सिंह जी परिवार के विचार सानू कहते हैं गुरबाणी दसती है कि जो ओहदा किसी नूं मिलदा है ना ये तुंदरगाह तो तय होता है जो ब्रह्म बन गया सो ही बन जाओ बंदे खोज दिल हर रोज ना भी परेशानी माए जदों असी चंगा काम करांगे समाज दे विच एक अच्छा मैसेज आएगा। मैं इस बात बेनती करांगा मेरे वीर ने हमेशा जिस अफसर साहिबान ने साडे पूंछ दे लोकां वास्ते क्योंकि अस जिस पोलिटिकल सेटअप दे अंदर रह रहे हां बड़ा छोटा छोटा जिहा डिस्ट्रिक्ट है साडा इत्थे साडा बड़ा प्रेम पाओ आओ पीरां पीरां दी धरती है इस करके ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੈਠੇ BGPC के सभी मेंबर्स स्पेशली प्रधान साहब क्योंकि वो उनकी एब्सेंस है सुबह उनका जो कॉल आया वो बता रहे थे तो हम उनकी प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन जगह है वहाँ यहाँ के लोग बहुत बेहतरीन हैं अपना टाइम मुझे सर्विस में हुआ उसको अगर मैं पूरा रिकलेक्ट करूँ आज मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बेहतर काम मैं कहीं नहीं कर पाया और जितने लोग यहाँ के अच्छे हैं उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों का छोटा सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बहुत से इश्यूज रहते हैं लेकिन आप लोगों का जो आपसी भाईचारा है जिस तरह से आप सारी चीज़ों को संभालते हैं सुलझाते हैं वो सच में काबिल तारीफ है और मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे मनीष साहब भाई हैं हम बैच के हैं कोई शक नहीं कि मनीष साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया यहाँ पे लगभग 3 साल का लगभग उनका टेन्योर यहाँ पे और मुझे भी लगभग 2.25 साल हो गए तो आप लोगों से बहुत प्यार मिला वही सी बात है कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया है जब मैं शुरू में आया था जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मैं क्योंकि बहुत दूर है जम्मू से तो 2-4 महीनों में कहीं आगे पीछे की हाथ पाँव मार के ट्रांसफर हो जाएगी और मैं चला जाऊँगा लेकिन आप लोगों का प्यार इतना रहा कि मैंने अपनी सर्विस का सबसे बड़ा टेन्योर अभी तक पूंछ में ही काटा है लगभग 2.25 साल इतना बड़ा टाइम मैंने कहीं नहीं काटा और मुझे पूंछ आने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मैं अलग सी जगह में आया हूं क्योंकि वो आप सबका प्यार था कि आप लोगों ने इतना प्यार डाला जहां भी हमने जाना सब लोग इतने अच्छे से मिलना अच्छे रिलेशन सबसे बन गए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे प्यार आपने पूंछ में रहते हुए मुझे दिया वो आप आगे भी देते रहेंगे और हम लोग जरूर टच में रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं तो अपनी तरफ से करूंगा ही लेकिन आप भी कभी कोई हिचक ना रखें कभी भी बात करनी है आप खुल के बात करें कुछ भी हो जहाँ भी अभी तो मैं एक बॉर्डर बटालियन में जा रहा हूँ उसके अलावा जितनी दुआएं आपकी हैं कभी अच्छी जगह पे भी आएंगे तो आप लोग मेरे बैच में सचिन साहब ने बताया कि 2.25 साल इन्होंने अपने टेन्योर यहाँ दिया तो समझे आपको पूंछ हमेशा याद रहेगा वो इसलिए भी याद रहेगा लोग तो अच्छे हैं आप हमारे क्योंकि हम बैचमेट हैं तो प्रोमोशन हमारी प्रोमोशन फर्स्ट प्रोमोशन में बहुत टाइम लग गया ऑलमोस्ट 12 साल होने लगे हैं हमें अप्रैल में 12 साल हो जाएंगे तो नेचुरली आप पूंछ को कभी नहीं भूल पाओगे क्योंकि आपने फर्स्ट प्रमोशन यहीं से ली अगर प्रधान जी का सुबह मुझे भी कॉल आया था तो मुझे फर्स्ट वो दिन अभी भी याद है अगर सुजन साहब को याद हो नगर कीर्तन होने वाला था कोविड में कुछ रिलैक्सेशन आई थी तो एक्चुअली मेरे मुझे नहीं आना था एसपी हेडक्वार्टर लीव पर थे तो मैं सचो भी था एक नया था हम आए तो मुझे भी पता नहीं था कि ये बात कैसे करें कि मैं कैसे ये बात यहाँ अपनी प्रोजेक्ट करें हमें एसपी साहब ने भेज दिया जी जाओ आप दोनों जाओ मैंने सोचा ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है मेरे आगे से मुंह से निकला मैं कहा जी बस ऐसी आपके पास चाय पीने के लिए आए चाय नहीं पी कभी तो चाय पिए फिर बैठे बातचीत की जो हमारा कंसर्न था वो हमने आपका तरफा हमारी तो वो सक्सेसफुली निकला वो चीज बाकी ही पोस्टिंग्स और ट्रांसफर की बात ट्रांसफर जो है वो सर्विस का एक पार्ट एंड पार्सल है मैं बहुत सालों से दिल्ली में था तो मैं भी सोच रहा था कि कोई थोड़ा टाइम मुझे भी करके करीब मिल जाए तो आप यकीन मानो थोड़ा टाइम के लिए मतलब हार्डली पुलिस वाले के लिए 1 साल टेन्योर एक जगह ही होता है बट आज मुझे 3 साल और 16 दिन हो गए तो उस हिसाब से मैं बहुत खुश नसीब हूँ अपनी तरफ से अपने काम में पूरी कोशिश की कि ईमानदारी के साथ काम किया जाए जितनी तारीफ आप हमारी कर रहे हैं उतने हम उस लायक नहीं है लेकिन चलो जो आपकी बातें सिखाई हुई या बताई हुई या जो बातें आपने यहाँ बताई हमें जो चीज रह गई है हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट हमारे टेन्योर में जो चीज कमी पेशी रही है हम वो दूर करेंगे थैंक यू